वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं लेके चल रहा हूँ द्वारकी माता, जो कि शीतला माता दरबार है और बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। उस मंदिर को बंजारों ने बनाया था और वहाँ पर भंडारा भी होता है, अखंड भंडारा हर सोमवार को होता है। और 2010 से रामायण चल रही है, जो कि रामायण का पाठ का भी आपको दिखाएंगे, माता का दरबार बताएंगे। काफ़ी ऊँचा स्थान है, सब जगह आपको घुमाएँगे, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। चलिए दर्शन करते हैं। जय माता दी। हमारे इधर करते हैं लड़कियों की पूजा, यानी कि कन्या का भोजन। तो ये लोग करा रहे हैं कन्या का भोजन, प्रेम से पैर पड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और इनको प्रसाद भी दे रहे हैं और घर के लिए ले जाने के लिए भी बोल रहे हैं। और ये लगा हुआ है मेला दरबार का, जो कि चारों तरफ बहुत दूर दूर तक मेला फैला हुआ है। तो देख लेते हैं थोड़ा मेला, इसके बाद चलते हैं ऊपर दर्शन करते हैं माता रानी के, जो कि यहाँ का बहुत फेमस मंदिरों में से एक है। ये मंदिर बंजारों ने बनवाया था। यहाँ से प्रसाद लेते हैं लोग, यहाँ जलेबियों का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जलेबी कई कन्या जवाई जाती हैं। प्रसाद, नारियल, सिंदूर सब कुछ यहीं पर मिल जाता है। तो गाइस, यह है मुख्य द्वार शीतला माता मंदिर का। तो यहाँ का कुछ सामने का सीन। हमारे इधर नियम है दूल्हा दुल्हन हाथे लगाते हैं, जो कि यहाँ हाथे लगाने का प्रोसीजर चल रहा है। तो ये यहाँ बने हुए हैं माता रानी के छोटे छोटे रूप के स्थान। ये बैठी हैं अम्मा, ढोलक बजाती हैं ना अम्मा। तो इधर है ये गाड़ीवान, जो कि हम लोग के इधर इन लोग को इन ये देवता को सबसे ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि माता जी जब रथ में बैठती हैं तो गाड़ीवान चलाते हैं, ऐसा हमारे इधर नियम है। उनका रथ हाँकने वाले गाड़ीवान ही होते हैं। और यहाँ से ये जो सीढ़ी दिख रही है, यहाँ से चलेंगे ऊपर, जो कि सीढ़ी है। जय बोलो गाड़ीवान सरकार की, जय महाराज की, जय बजरंगबली की, जय। तो गाइस, आ गए हम शीतला माता मंदिर। और इधर ये सब पीछे हमारे है पहाड़, जो कि यहीं का स्थान है। और यहाँ है, यहाँ से है रास्ता। चलिए रास्ते से चलते हैं ऊपर माता रानी के दर्शन करने के लिए। महाराज जी शीतला मंदिर के पुजारी जी प्रसाद देते हैं, इधर ही रहते हैं। तो यह शीतले माता मंदिर। गाइस, यहाँ बने हुए आस्थाओं के घर, जिनके पास भी घर नहीं होता है वो इधर घर बना के जाते हैं, तो माता रानी उनको घर देती हैं। जो जितने माले का घर बनाता है उनको माता रानी उतने माले का घर देती हैं। ऐसी यहाँ पर आस्था है, इसलिए लोग ऐसे ऐसे यहाँ पर घर बना के जाते हैं। पे है हनुमान जी महाराज का दरबार। जय हनुमान जी महाराज, जय हो तुम्हारी। ये हनुमान जी महाराज का दरबार है, भोलेनाथ का पूरा परिवार। एक ऐसी उंगली के आकार की बस छेद से होते, वहाँ में उंगली डारती। हाँ, उंगली डार से उंगली फंस जाती। हाँ, जब हम प्रसाद चलाते जब नहीं करती।
अच्छा अच्छा प्रसाद चढ़ाने से उंगली निकलती थी। अच्छा, ये कौन सी माता है? ये है खोखो मैया। खोखो मैया, ये है माता जी खोखो मैया, चमत्कारी मातेश्वरी। यहाँ पे बने हैं गणपति महाराज जी। ऐसे है मेन दरबार शीतला माता मंदिर का। यहाँ से है सीढ़ी और मैं काफ़ी ऊंचाई पर आ गया हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा चारों तरफ मंदिर पहाड़। तो ये माता रानी का शेर बनी हुई है। यहाँ सब मनोकामना झूला टंगे हुए हैं। दरवाजे के अंदर जय मातेश्वरी जगत जननी माता। यह है माता जी, जय माता शीतला माता का दरबार। यह है बाहर निकलने का रास्ता। तो गाइस, यहाँ पर है सांग जो कि बहुत प्राचीन है और इन पर बना हुआ है चिन्ह। यह है यहाँ के पहाड़। ये मनोकामनाओं की घाट है। जिसकी भी मनोकामना पूरी नहीं होती है वो यहाँ गार्ड बांध के जाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये कुछ स्थान इस प्रकार है। यहाँ ये नारियल फोड़ने के लिए बना हुआ है मंदिर जो कि हमारे पीछे दिख रहा है। ये बहुत ही प्राचीन है, सदियों से जो कि बंजारों के ज़माने से बना हुआ है। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ बने हुए शेर यहाँ लगे हुए हैं झंडे। ये यह है यहाँ से उतरने का रास्ता और यह बना हुआ है कुंड, चमत्कारी कुंड है ये। यहाँ लिखा भी हुआ है कुंड। तो चलते हैं कुंड के अंदर। गाइस, यहाँ का ये है कुंड जो कि बहुत ही प्राचीन है और यहाँ का बहुत ही चमत्कार है। इतनी ऊंचे पहाड़ों पर होते हुए भी माता रानी का कुंड भरा रहता है। अभी थोड़ा सा पानी कम है जो कि आपको दिख रहा होगा और गर्मियों में और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसी जैसी गर्मी होती है ये कुंड और भी बढ़ता जाता है। माता रानी का ये है पूरा मेला ग्राउंड जो कि आप देख रहे हैं और हमारे सामने है इधर राधा कृष्णा मंदिर और माँ शेरावाली का दरबार जहाँ पर चल रही है कई सालों से अखंड रामायण लगातार।
पहले यहाँ दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे अखंड भंडारा जो कि कई सालों से चल रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। से चल रही है ये सम्बर 2010 से चल रही है, 2010 से दस से जब से ये मंदिर प्रारंभ हुआ। हाँ, जब जब अच्छा अच्छा तो गाइस यहाँ पर चल रही है रामायण अखंड सन 2010 से, है ना, से चल रही है। तो गाइस यहाँ पर चल रही है रामायण अखंड 2010 से बना हुआ है राधा कृष्णा मंदिर, चलिए दर्शन करते हैं। यहाँ पर बने हुए हैं राधा कृष्णा भगवान, और भी सब भगवान बने हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ बने हैं राम भगवान, इनका है पूरा परिवार, और यहाँ भी बने हुए हैं, यहाँ नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान का रूप है, ये है नरसिंह भगवान। यहाँ बने हैं कच्छप भगवान, राधा कृष्ण भगवान का दरबार कुछ इस प्रकार रहा। चलिए चलते हैं अखंड भंडारे में। कितनी अच्छी बात है, कई गरीब लोग भी हैं जो कि सोमवार के दिन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर सोमवार को होता है भंडारा। कुछ गरीब तो इतने भी होते हैं कि इन लोगों के लिए खाने के लिए भी नहीं होता है, तो वह लोग कम से कम सोमवार के दिन यहाँ दरबार पर आके पेट भर के खाना तो खाते हैं। भंडारा तो बहुत देखे दुनिया में, लेकिन ऐसा भंडारा कहीं नहीं देखा। इस भंडारे की खासियत है कि यह सन 2012 से हर सोमवार लगातार चल रहा है, चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे लाखों आदमी लोग क्यों ना हो इस भंडारे में, लेकिन यहाँ पर भंडारा चालू रहता है। तो इस भंडारे में ऐसा नहीं है कि गरीब लोग आए, कोई भी आ सकता है, कोई भी खा सकता है। प्रसाद के रूप में यहाँ भंडारा मिलता है, और व्यक्ति दूर दूर से आके भंडारे को ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। तो गाइस आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।